कलर्स टीवी का मोस्ट फेमस सीरियल नागिन सीजन 6 में बहुत कुछ चल रहा है। वेल, अपकमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे बड़ा रिवील हम यहां करने वाले हैं इसी वीडियो में। ऋषभ की जान नहीं गई है, ऋषभ पूरी तरीके से बचे हुए हैं। जैसा कि दिखाया गया था कि ऋषभ के ऊपर आग की लपटें गिर गई हैं, तो हम आपको बता दें कि ऋषभ पूरी तरीके से सेव है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ऋषभ की जान नहीं गई है तो आखिर किसकी जान गई है और किसके ऊपर ये आग की लपटें गिरी हैं। साथ ही इसकी प्रथा के सामने अब क्लियर तरीके से ऋषभ की सच्चाई सामने आ चुकी है और ऋषभ भी प्रथा की पूरी सच्चाई जान चुका है। आने वाले नागिन 6 के एपिसोड में पूरी गलतफहमियां इन दोनों के बीच की अब खत्म होने वाली हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आखिर किसने बचाई है ऋषभ की जान। आने वाले एपिसोड में मिस्टर सिंह और प्रथा की शादी दिखाई गई है, लेकिन ये शादी नहीं होगी क्योंकि ये नकली शादी है और मिस्टर सिंह अपनी चाल में कामयाब ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि प्रथा उन्हें कोई मौका ही नहीं देगी, क्योंकि प्रथा एक इच्छाधारी नागिन है और उसके बाद गौरी मंडप में बैठ जाएगी और मिस्टर सिंह की शादी फाइनली गौरी से हो जाएगी। एंड प्रथा के अंदर ऋषभ के प्रति जो गलत फहमियां हैं उसके कारण वो एक प्लान बनाती है और आग लगाने वाली मंडप में कोई और नहीं बल्कि प्रथा खुद होती है। और उसी के बाद प्रथा को ऋषभ की पूरी सच्चाई पता चलेगी कि ऋषभ एक इनोसेंट है और ये जाने के बाद प्रथा खूब रोने लगती है। लेकिन आखिर बचाया किसने है ऋषभ को? तो एसीपी विजय ने बचाई है ऋषभ की जान और जिसकी डेड बॉडी दिखाई गई है वो कोई और नहीं बल्कि शक्ति की डेड बॉडी है और यही सबसे बड़ा राज जो है वो आने वाले एपिसोड में खुलने वाला है। नागिन सीजन 6 के लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।